सुबह सुबह मेरा चल रहा है यहाँ पे, ये बना रही हूँ गाजर की सब्जी। तवा रख दिया है, अब चल रही हूँ बनाने आलू का पराठा। दूध उबाल दिया है। आलू पराठे के लिए आलू का मसाला, आटा दोनों तैयार है। ले लेते हैं बेलन चकला। ये मैं तैयार कर ले रही हूँ छोटा छोटा, साथ में गाजर की सब्जी भी चलाते जाना है मुझे। मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ सवेरे सवेरे, ठंडी है, बादल होने की वजह से थोड़ा सा ठंडी कम लग रही है, आज लग रहा है धूप होगी नहीं ढंग से। ले लीजिए आलू तो बन जा रहा है पराठा। मेरे दिन बाद तो बिबू स्कूल जा रहे हैं, मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। मेरा तो व्रत है, बच्चों के लिए ही बना रही हूँ पराठा और गाजर की सब्जी। सवेरे उनका नाश्ता गुड्डा हो जाएगा, बिबू का टिफिन हो जाएगा। जो भी घी है इसमें लग जाए, इसलिए ऐसे रख देती हूँ एक्स्ट्रा रख दो। एक बूंद पानी नहीं गिराया, डाल दो वो। बोलो क्या बोल रहे थे आप? गीजर चला दिया, दूध पी लिया, दूध पियो, गिलास में ले लो, ये सब पियो फिर कोई। तो सब्जी मेरी हो जा रही है, पराठे में बना लेती हूँ, टिफिन तैयार करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो भाई ये बिबू तैयार हो गए हैं आज इतने दिन बाद स्कूल जाने के लिए, और मैंने बॉटल एक कितना है, अभी भी खांसी रहा है, कहाँ कम हो रहा है। ये टिफिन मैंने रखा है और ये टिफिन डाल दिया है। टिफिन मैंने डाला है, हाँ बिबू ने डाल दिया, और इनका बॉटल पानी का रख दिया, हल्का गुनगुना पानी दिया है स्कूल जाने का। जल्दी हो गया। हाँ थोड़ा सा तो दवा खाना था ना, इसलिए हमने कहा 5-5 मिनट गैप भी। 10 मिनट होते हैं स्कूल चालू, अभी हो रहे हैं 9:15, 2-3-4-9-15, 4 मिनट आ गए। हाँ तो कोई नहीं, तैयार होना जरूरी था। अब यहाँ से कैंची वगैरह सब हटाऊं, फोन कुछ सामान मंगाना था, ये तैयार हो गए। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के कुल पूजा वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ भाई रवि आ गए हैं, आज जाके स्कूल जा रहे हैं इतने दिन बाद जना। अभी मैं नहा के पूजा करके, बल्कि मैंने कुछ खा भी लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, मेरा व्रत है व्रत वाला, और कुछ सामान मंगाए थे इधर, ये बैग पड़ा है इधर, कुछ सामान ये पनीर वगैरह है सब फ्रिज में डालना है मुझे, और यहाँ पे ये जो है सारी सब्जियां है इतना भर के, ये सब भी क्लीन करना होगा। आंवला है, अदरक है, बहुत सारी चीजें है, तो ये सब मुझे अब सफाई करनी है इनकी। तो देखते हैं क्या क्या है, ये सब भी निकाल लेते हैं। पहले तो ये पनीर डाल दो फ्रिज में। पनीर फ्रिज में डाल देते हैं। ये रख दिया। इसके अलावा बच्चों ने कुछ बिस्किट वगैरह ये सब मंगाए हैं, ये सब टाइम से लगाऊंगी। पहले तो मैं सब्जियां सब धोऊंगी, फिर पहले की अदरक निकाल लूं, अदरक वगैरह इसको। पहले अदरक धो लेती हूँ।
तो अदरक पहले धो लेती हूँ क्योंकि और भी सब्जियां हैं सब। अदरक पहले निकाल लिया है इसलिए क्योंकि मुझे चाय बनाना है, तो मैं चाय बना लेती हूँ फिर आगे सारी सब्जियाँ चाय रख देती हूँ, होता रहेगा फिर ये सब सब्जियाँ निकालूंगी। बैंगन वगैरह है, पालक है, ये सब होने में लगेगा टाइम, तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। आ जाओ इसको पहले तो हमें छीलना पड़ेगा। मैं चाय लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे और इधर चला लिया है मैंने ब्लोअर, थोड़ा पैर हाथ सेक के स्वेटर पहनती हूँ, तो पहले चाय पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ फिर चलते हैं छत पे जरा स्वेटर वगैरह पहन के। शौर विवो को दौड़ाते हैं, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। चलो आज आप ही नहीं लोग जैसे स्कूल ड्रेस जैसे लग रहे हो। चलो आ गए बिबू। तो भाई बिबू आ गए स्कूल से, लेके आ गई वहाँ पे, तो बिबू को स्कूल से लेके आ गई हूँ। आते ही है देखो, जिम जैम मंगाए थे, बिस्किट खा रहे हैं। अब कपड़ा बदलो, तुरंत कपड़ा बदलो, खाना खाओ। मुझे भी आज योगा जाऊंगी क्योंकि गए मुझे कितना दिन हो गया है, एक दिन नहीं, तुम्हारे चक्कर में ये पूरा हफ्ता गया, उधर का ऐसे ही जा रहा है। मैंने योगा छोड़ रखा है। हमने योगा छोड़ दिया? तुम छुड़वाओगे, छुड़वाओगे ही। चलो मैं अपने वो, क्योंकि कपड़े भी चेंज करने ही पड़ते हैं वहां जाने के लिए, तो वो भी करना होगा। इनको खाना दे दूं, खिला दूं, फिर मैं चलती हूँ योगा, और देखते हैं रास्ते में कुछ रिकॉर्ड करा तो करा, नहीं तो नहीं हो पाया तो नहीं। जैसे ही तैयार हुई हूँ योगा के लिए, उधर देखो ब्लोअर चला के सो गए। अब दरवाज़ा कौन बंद करे, मैं कैसे जाऊँ। अब लग रहा है आज भी कैंसिल, आज भी नहीं जा पाऊँगी योगा में। सो रहे हो कि जग रहे हो? कैसे सुस्त हो रखे हो, जरा देखूं तो कहीं फिर से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा? मैं ब्लोअर की हवा ले रहा हूँ, गर्म तो लग रहा है। आराम से कोई गर्म हवा नहीं ले सकता है। अरे सब कुछ सही है, आप जाओ। अच्छा चलो भाई ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ, तो मैं निकल रही हूँ। आ गई पजामा टी शर्ट में, विभू को उठा दिया था, बंद कर दिए दरवाजा। आज भी ऐसे देखो ऊपर, और सूरज नहीं दिख रहे हैं पूरा दिन, तो सुबह के टाइम में थोड़ा सूरज निकले थे, उसके बाद से फिर ऐसे ही अंधेरा अंधेरा हो रखा है, कहीं धूप नहीं है, बादल सा माहौल हो रखा है। आज भी देखो बारिश हो गई तो ठंड बढ़ सकती है। इतने दिन बाद योगा गई, और योगा से अभी आई हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, यहाँ सब्जी अभी ले लूँ मैं, क्योंकि सब्जी लेना ज़रूरी है। उधर वो रवि को भेज दिया मैंने, मैंने कहा लेके आ जाओ, थोड़ी सी ही सब्जी लेनी थी, थोड़ा मटर वगैरह, मैंने कहा लेके आ जाओ, मैं गई नहीं। आज स्ट्रेचिंग कर लो ना, जैसे लगता पूरी शरीर खुल गई है, सच बताऊँ। इतने दिन बाद किया, काफ़ी दिन निकल गया मेरा, अब बिना योगा के मैं रह ही नहीं पाती हूँ। योगा कर लो जैसे लगता है रिलैक्स हो गए एकदम, अंदर से मन और बॉडी सब रिलैक्स हो जाती है। तो अभी करके अच्छा लगा, अब चल के मुझे खाना भी बनाना है। अब अभी वो मटर लेके आ जाए, थोड़ा सा फल, क्योंकि आज व्रत है तो फल वगैरह कुछ मंगा लेती हूँ। तो चलते हैं घर, मिलते हैं। तो घर आके कपड़े तो चेंज कर लिए हमने, और खाना वगैरह सब खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं, अब हो रही है सोने की तैयारी। तो
तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।